हस्बैंड जी आ गए, तेजू प्रेमी जी अपने घर आ गए। बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों, उनके एक छोटी सी बेटी है। और आप लोगों को पिछले कई दो वीडियो शायद मैं डाली हूँ कि खुशी के हस्बैंड जी जो तेजू प्रेमी हैं वो घर छोड़ के चले गए थे। और खुशी जी बार बार इल्ज़ाम लगा रही थी कि वो किसी लड़की के साथ चले गए हैं और घर की उनको याद नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत वो रो रही थी, बहुत सारा उनका वीडियो रोते हुए आ रहा था। बहुत लोग उनको समझा रहे थे कि आप जाने दीजिए, गए तो हम लोग भी वीडियो में बोले थे कि गए तो जाने दीजिए और अपना जीवन देखिए, आप वीडियो बनाइए और आपकी छोटी बेटी है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, मीरा राय ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो नहीं आ रहा है 2-3 दिनों से, क्योंकि मेरे घर में बहुत ही फैमिली में, मेरे ही फैमिली में बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है। लेकिन क्या करें दोस्तों, आज तीसरा दिन है लेकिन आज वीडियो बना रहे हैं, क्या करें दोस्तों। और 26 तारीख को ही सुबह में कुछ ऐसा घटित हो गया जिससे बहुत ही मन दुखी है और बहुत ही परेशान है हम लोग। पर क्या करें दोस्तों, जीवन है, जीवन को तो चलाना ही पड़ेगा। आप लोगों को पता है जो हो जाता है उसको फिर कोई वापस ला नहीं सकता। तो बहुत ही बड़ी घटना हो चुकी है और मेरी जिठानी जो है वो इस दुनिया में नहीं है। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो यूट्यूब पे हम नहीं बता सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है, जो सारी चीज़ें सही से नहीं बोला जाता है यूट्यूब पे। तो बाकी तो जो हमारे फैमिली, रिश्तेदार और गांव घर के लोग हैं वो सभी लोगों को तो पता ही है क्या नहीं है, क्या घटना है। बहुत ही दुख की बात है दोस्तों, क्या बताएं हम लोग और कैसे कैसे बताएं दोस्तों। और फाइनली उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और अभी बहुत ही कम कम उम्र के हैं, अभी तो लड़की है 8.5-9 साल की है लड़की, और लड़का, एक लड़की और दूसरी लड़की है 7 साल की, 7 साल की 8वें साल में लग रही है। और एक लड़का है जो कि अभी लग रहा है 6ठवें साल में शायद। तो इसी तरह से नीचे ऊपर ही करके अभी जो है 3 बच्चे हैं उनको, और वो इस दुनिया में नहीं रही। अब क्या बताएं दोस्तों, बहुत ही दुखद घटना है। तो मैं वीडियो नहीं डाल रही थी दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग ना, मेरा शॉर्ट वीडियो ना लॉन्ग वीडियो कुछ भी नहीं आ रहा है। पर आज मैं सोची हूँ कि वीडियो बनाती हूँ, और क्योंकि आप लोगों को पता है कि चैनल जो है बैठ जाता है, वीडियो अगर ना डालो 2-4 दिन 10 दिन अगर वीडियो ना डालो, कितना भी बड़ा छोटा चैनल हो या बड़ा चैनल हो, व्यूज़ आने बंद हो जाते हैं। और जो होना था वो तो हो गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है दोस्तों। और दोस्तों जो कि पहले पिछले वीडियो में आप लोगों से मैं बताई थी, खुशी जी का जो वीडियो था, उनके हस्बैंड घर आ गए हैं। और बहुत ही खुशी की बात ये है कि उनके हस्बैंड घर आ गए, उन छोटी सी बेटी है उनकी, और दोस्तों घर छोड़ के चले गए थे। तो वीडियो मैं देखी हूँ उनका आज, जो कि कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा घर के झगड़े लड़ाई के वजह से घर छोड़ के गया था और अपना माइंड फ्रेश करने गया था। लेकिन खुशी जी बोल रही थी कि वो किसी लड़की के चक्कर में है। फिर भी खुशी जी अभी भी बोल रही हैं कि मुझे सारी बातें पता है और किसके लिए कहाँ गए थे वो, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे अपना परिवार चलाना है। तो मैं भी यही कहूँगी खुशी जी की, आप बहुत ही अच्छी लाइन ये बोली हैं कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, मेरा परिवार चलाना है। क्योंकि छोटी छोटी बातों से परिवार तोड़ना बहुत ही मतलब बुरा सिचुएशन आ जाता है बाद में। तो रहने दीजिए, जो होना है हो गया, बस आपके हस्बैंड जी आ गए, इसका खुशी है आपको खुशी, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है। आदमी तो कहीं भी रह सकते हैं लेकिन औरतों के लिए अभी पूरा जीवन आपका पड़ा है, काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही समाज जो है ना तरह तरह की बातें करता है, जीने नहीं देता है। तो एक औरत को आदमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपकी फैमिली बच गई वो बहुत ही बड़ी बात है, आप कुछ मत बोलिए, आप ही सह लीजिए। और हमें तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि आपके हस्बैंड आपके घर आ गए। और बाकी दोस्तों हमारे घर में तो बहुत ही दुख की घड़ी चल रही है। तो अभी देखिए जैसे ही दिमाग शांत होगा और कुछ मैटर शांत होगा तो फिर वीडियो अच्छे से जाएगा। फिलहाल तो मैंने बस ऐसे ही वीडियो आज की बना दी थी और हम लोग तो जा भी नहीं पाए क्योंकि हमारा मायका, मेरा मायका जो है महाराजगंज जिले में पड़ता है वो यूपी के, और यूपी के मेरठ में जो है मेरा शादी हुआ है। तो काफ़ी मुझे लग रहा है 7-7.5-8 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर है।
और क्योंकि गोरखपुर ही यहाँ से मेरे यहाँ से जो है मेरठ से लेके 750 किलोमीटर दूर पड़ता है, और 30-35 किलोमीटर आगे जो है मेरा गांव पड़ता है अभी गोरखपुर से आगे महाराजगंज जिले में, तो हम लोग नहीं जा पाए हैं दोस्तों। और क्या करें दोस्तों, और कुछ मैटर भी ऐसा है कि अभी जा नहीं पा रहे हैं हम लोग, बाद में जाएंगे दोस्तों। तो फिलहाल बच्चे अभी बच्चे भी वही हैं, बच्चों का ही आगे देखिए क्या होता है, जो कि अगर ऐसे ही रहा माहौल तो आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं। बाकी वो लोग जो है वीडियो के माध्यम से मैं नहीं बता पाऊँगी, और बाकी देखिए फैमिली क्या सलाह मशवरा आपस में करती है। बहुत ही दुख की बात है दोस्तों, क्या बताएं। और उनका भी अभी कोई ज़्यादा उम्र नहीं था, मेरी जेठानी का भी अभी तो बहुत ही कम उम्र की थी, अभी मुझे लग रहा है 28-29 साल की रही होंगी, 27-28-29 साल की, इससे ज़्यादा नहीं रही होंगी उनका उम्र अभी। पर इतने ही दिन में अभी 3 बच्चे भी और इस दुनिया से भी चली गई, क्या करें दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी मैं, और मिलूँगी अगले वीडियो में, और देखिए कब बनाती हूँ, कल बनाती हूँ वीडियो या नहीं बनाती हूँ। फिलहाल बाय बाय दोस्तों।